हेलो फ्रेंड, मैं हूं धवल कुमार और आप देख रहे हैं स्काई गेमर। सो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूं मेरे चैनल पे, जिस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं कि हमारी जो नई वेपन रॉयल में जो गन की स्किन ऐड हुई है, यानी कि M4A1 की जो गन की स्किन ऐड हुई है रेयर आइटम, उसको आपको परमानेंट कैसे निकालना है दोस्तों। तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस गन की स्किन को आपको परमानेंट कैसे निकालनी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे आपको यह गन की स्किन परमानेंट निकालनी है। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो फटाफट से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ और बार। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में कि आपको कैसे ये परमानेंट गन निकालनी है। तो दोस्तों, सिंपली ट्रिक है, आप जब गेम में एंटर होते हो तो आपको क्या करना है, एंटर होते ही आपको स्पिन लगानी है। जैसे कि मैंने एंटर होते ही स्पिन लगाई थी दोस्तों, तो एंटर होते ही मैंने जैसे स्पिन लगाई तो आराम से मुझे ये गन की स्किन परमानेंट मिल गई दोस्तों। तो सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ एंटर होके एक दो स्पिन घुमानी है। अगर आपको एक दो स्पिन में मिल जाते हैं तो दोस्तों बढ़िया ट्रिक काम करेगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही मिली है। तो चलिए अब मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे एंटर हुआ गेम में और मेरे पास 13 ही डायमंड थे, तो मैंने फटाफट से यार मैंने स्पिन ही लगा दी। ये आप देख सकते हो, मैंने एक ही स्पिन लगाए और एक ही स्पिन में मुझे ये परमानेंट स्किन मिल गई है M4A1 की। काफ़ी दोस्तों देख तो कितनी अच्छी लग रही है और इसका डैमेज डबल प्लस है, यानी कि आपको डैमेज भी मिलता है इस गन की स्किन में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ही स्पिन लगाई और मुझे ये परमानेंट गन मिल गई। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी लोगों को मिले है दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा है यूट्यूब में और कई लोग को भी मिले है, लेकिन मुझे भी ये एक ही स्पिन में मिल गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वीडियो डाल देता हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एक ही स्पिन में ये गन की स्किन मिल गई, लेकिन मुझे अभी भी गन की स्किन परमानेंट चाहिए थी और भी उसमें वेपन रॉयल में और भी स्किन परमानेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर से मैंने डायमंड परचेस किए और मैंने फिर से एक स्पिन लगाने की ट्राई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं फिर से एक स्पिन लगाता हूँ दोस्तों। पहले मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ, ये मैंने इक्विप किया और बाद में मैंने फिर से एक स्पिन लगाने की ट्राई की। जैसे मैंने डायमंड परचेस करती तो फिर से डायमंड मैंने एक स्पिन लगाई, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये छोटी वाली शॉटगन की स्किन परमानेंट मिल गई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गन की स्किन भी मुझे परमानेंट मिल गई दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे दो स्पिन में तो दोनों ही गन परमानेंट मिल गई, तीसरी स्पिन में मुझे ये ग्रोजा की स्किन परमानेंट मिल गई है दोस्तों। यानी कि मेरे तीनों के तीनों स्पिन बढ़िया रहे दोस्तों, आपको भी ये बढ़िया तीनों के तीनों स्पिन रहेगी। आपको क्या करना है, शुरुआत में ही आपको जब गेम में एंटर होते हो तब भी आपको ये स्किन, यानी कि आपको ये स्पिन को घुमाना है, तो आप आराम से ये गन की स्किन परमानेंट ले सकते हो दोस्तों।